हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर वन, क्लास नाइन्थ, साइंस केमिस्ट्री. इन पार्ट वन यू हैव सीन दैट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. यूनिवर्स किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है, जिसे मैटर हम किसे बोलते हैं? द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास. ओके, देन इन चैप्टर नंबर वन क्या सीखा था हमने कि मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे मैटर को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, और एक्टिविटी के थ्रू ये जाना कि जो मैटर होता है पार्टिकल से बनता है, एंड एक्टिविटी नंबर टू से ये जाना कि जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. ओके, और मैंने आपको एक्टिविटी नंबर टू में ये बताया था कि जो पार्टिकल इतने माइन्यूट है वो मैंने कैसे जाना, ये मैं जाना था पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, उसमें कलर आता है. और ऐसे ही 8 से 10 स्टेप किए थे जिसमें कि जो कलरफुल सॉल्यूशन होता था उससे हमने कुछ पार्ट लेकर नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट लिक्विड में वाटर में ऐड किया था. ओके, व्हाट इज द पोटेशियम परमैंगनेट? पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, इसमें 3 एटम इन्वॉल्व हैं, पोटेशियम आयन, मैग्नीज आयन एंड ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन के 4 एटम इन्वॉल्व हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. और जो इसका नाम होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, एंड इसका कलर होता है पर्पल. कलर कैसा होता है? पर्पल होता है. ओके, नाउ पार्ट टू में हम ये देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है. तो व्हाट इज द फर्स्ट नेचर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना. स्पेस होने का मीनिंग क्या है बच्चों, क्या मतलब होता है इसका? जैसे अभी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं तो वाटर लेवल में कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं होता. एप्रिसिएबल चेंज ना होने का मीनिंग क्या हो गया कि जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो जो उसके पार्टिकल्स है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उसके बीच बीच में कुछ स्पेस होगा. स्पेस मतलब जगह होगी. और जो सुगर या फिर सॉल्ट आप उसमें ऐड करते हो, वो सुगर या सॉल्ट अपने आप को उन्हीं स्पेस में जाकर फिट कर लेते हैं, जिससे पूरा होल लिक्विड जो होता है वो एक यूनिफॉर्म टाइप का बन जाता है. चाहे अगर सुगर के साथ है तो स्वीट टेस्ट में, और अगर सॉल्ट के साथ है तो सॉल्टी टेस्ट में. हाँ, तो उसे बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, इसको हम एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट जानते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो परमानेंट मूवमेंट करते रहते हैं. कहीं पर भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो परमानेंट मूवमेंट करते रहते हैं. जैसे हमारे आसपास एयर है तो एयर के पार्टिकल फिक्स नहीं है एक जगह पर, वो परमानेंट मूव करते हैं. उसको हम फील कर सकते हैं जब आपके पेड़ वगैरह के पत्ते हिलते हैं, तो इस तरह से हम फील करते हैं ना कि एयर मूव कर रही है. तो ऐसे ही पार्टिकल मूव करते हैं. कैसे हुआ होगा? जो पीछे हमने सॉल्यूशन को कलरफुल देखा, कैसे? जब हमने एक स्पून पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, वो पार्टिकल मूव कर गए और पूरे सॉल्यूशन को पर्पल कलर का बना गए. तो मींस क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं मूविंग होते हैं. एक्टिविटी नंबर 1.3 को देखते हैं. कीप ऑन अंटिल इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Note your observation. What is saying in activity number 1.3?
अगर हम एक इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को कहीं पे इस क्लास के कॉर्नर में लगा देते हैं, तो अगर हमें अगरबत्ती की स्मेल लेनी होती है तो हमें उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाना पड़ता है, वेरी क्लोज जाना पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज उस इंसेंस स्टिक को जला दिया जाए, अगरबत्ती को जला देते हैं, तो उसकी स्मेल जो होती है वो काफी दूर तक आ जाती है। आप बहुत दूर भी हो गए तब भी उस अगरबत्ती की स्मेल आ जाएगी। क्या मीनिंग है कि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, जो उसकी स्मेल, जो स्मेल जिन पार्टिकल्स ने दिया था, वो काफी दूर तक मूव कर गए। और कंक्लूजन क्या निकला, मतलब हमने उसको जला दिया, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दिया, तो उसके पार्टिकल जल्दी मूव करने लगे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी नंबर 1.4 एक्टिविटी क्या कहती है। टेक टू ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वॉटर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और ब्लैक और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड द हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। दो बीकर लिए, एक बीकर में रेड, ब्लैक और ब्लू इंक हमने साइड से उसमें पोर की और सेकेंड बीकर में हनी पोर किया। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर लेबोरेटरी इन ए कॉर्नर इन द क्लास। उनको ऐसे ही छोड़ दिया क्लास में या लैब में एक कॉर्नर पर। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ इंक। आपने इमीडिएट क्या देखा था अगर आप इंक को वाटर में पोर कर रहे थे, डाल रहे थे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। हनी को डालने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आई। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वॉटर। लगभग इंक को वाटर सॉल्यूशन में डालने के बाद आपने क्या देखा कि इंक कितने टाइम में फुल्ली वाटर को कलर्ड कर देती है। ओके, या फिर हनी जब हम ऐड करते हैं तो वो कितना टाइम लेता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टेंसी और डेंसिटी ऑफ द एडिंग सब्सटेंस। इफ इंक इज लेस डेंस देन द हनी, देन इंक विल स्प्रेड इजिली और इट विल टेक लेस टाइम। बट हनी इज अ थिक लिक्विड, सो डेंसिटी इज हाई एंड हनी टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू इंक। ओके, बोथ विल फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। बट व्हाट इज द कंक्लूजन, पार्टिकल की जिसकी डेंसिटी यानी कि जो लिक्विड थिक होगा वो ज्यादा टाइम लगेगा स्प्रेड होने में, और जो लिक्विड पतला होगा, डाइल्यूट होगा, वो कम टाइम लगाएगा स्प्रेड होने में। ओके बच्चों, दिस वॉज द एक्टिविटी नंबर 1.4। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।